जैन साथियों साथियों सेना भर्ती को लेकर बड़ी खुशखबरी लेकर आ गए हैं। जी हाँ, जो जानकारी हमें मिल रही है यदि वह सही साबित हुई तो युवाओं के लिए इससे बड़ी खुशी की खबर दूसरी नहीं हो सकती। साथियों ये तो आप भी जानते हैं कि कोरोना के चलते सेना भर्ती समय पर नहीं होने से बहुत से युवा ओवरएज होने के कगार पर खड़े हैं, यानी इन युवाओं का सेना में जाने का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओवरएज होने के कारण अब इन्हें सेना में भर्ती होने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जो खबर हमें मिल रही है वह इन युवाओं के सपने को साकार करने वाली है। जी हाँ, ओवर एज हुए इन युवाओं को सेना में जाने का फिर से मौका मिलेगा। कोरोना के चलते सेना भर्ती समय पर नहीं होने से जो युवा ओवर एज हो गए हैं उन्हें सेना उम्र में छूट देने जा रही है, और इसको लेकर अब कागजी कार्रवाई भी तेज होने लगी है। यानी सेना भर्ती में उम्र में छूट को लेकर युवाओं द्वारा की जा रही मांग सरकार और सेना तक पहुंच चुकी है। लेकिन साथियों इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अब आप शांत बैठ जाओ, यानी आप चुप बैठ जाओ, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको तब तक चुप नहीं बैठना है जब तक कि सरकार या सेना उम्र में छूट को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा न करे या इसको लेकर कोई लेटर जारी ना करे। आपको बता दें कि हमारे सूत्रों से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार सेना युवाओं को 6 माह उम्र में छूट देने पर विचार कर रही है। लेकिन साथियों ये तो आप भी जानते हैं कि 6 माह की छूट युवाओं के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए युवाओं को एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और कम से कम 1 साल आयु में छूट की मांग उठानी ही होगी। आपको बता दें कि हमारे सूत्रों का तो यहां तक भी कहना है कि सेना उम्र में छूट को लेकर जल्द ही एक प्रस्ताव भेजने वाली है। यदि सूत्रों से जो जानकारी हमें मिल रही है यह सही साबित होती है तो फिर युवाओं को सिर्फ उम्र में 6 माह की ही छूट मिल पाएगी। इसलिए साथियों अभी भी आपके पास में समय है, आप उम्र में कम से कम 1 साल छूट की मांग ही उठाएं। इसके अलावा जानकारी यह भी है कि खुद सेना के अधिकारी यह बातें कर रहे हैं कि जिस तरह आयु में छूट को लेकर सोशल मीडिया पर इसको तूल दिया जा रहा है, इसको बड़ी समस्या बताई जा रही, इसका कारण यह साथियों कि अभी तक बहुत कम संख्या में ही युवाओं ने पत्र लिखे हैं। यानी जब तक सभी युवा मिलकर, फिर चाहे वह रिलेशन भर्ती वाले हों या ओपन सेना भर्ती वाले हों, सभी को मिलकर सेना भर्ती मुख्यालय को उम्र में छूट की मांग को लेकर पत्र लिखने ही होंगे। अब यकीन मानिए कि यदि आप सभी मिलकर उम्र में छूट की मांग को लेकर पत्र लिखते हैं तो मैं 100% ये कह सकता हूँ कि बहुत जल्द उम्र में छूट का नियम बना दिया जाएगा। इसके अलावा आप में से बहुत से युवाओं का यह कहना है कि यह लेटर किसे और कैसे लिखना है, तो चलिए साथियों मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। साथियों आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करें। वहां पर जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने राष्ट्रपति सचिवालय हेल्पलाइन का पोर्टल खुल जाएगा। यहां पर आपको लॉग रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन दिखेगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में जाकर आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है, यानी जो जानकारी आपसे मांगी गई है यह जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। यह जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अब आप सोच रहे हैं कि हम जानकारी तो इसमें भर देंगे लेकिन यह जो रिक्वेस्ट बॉक्स है इसमें मैसेज कैसे लिखना है, मैसेज में क्या लिखना है, तो देखिए साथियों इसमें आपको लिखना तो सिर्फ इतना ही है कि सेना भर्ती कोरोना के चलते समय पर नहीं होने से हम ओवर एज हुए हैं, इसलिए जितने समय कोरोना के चलते सेना भर्ती नहीं हुई है हमें उतने समय की उम्र में छूट दी जाए। फिर भी यदि आपको यह सब लिखने में दिक्कत आ रही है तो साथियों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वह मैसेज भी मिल जाएगा जो आपको यहाँ रिक्वेस्ट बॉक्स में लिखना है। आप उस मैसेज को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से जाके कॉपी कर लें और उसको यहाँ पर फिलअप करके आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जरूर भरें। आप यकीन मानिए यदि आप में से बड़ी संख्या में युवाओं ने यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा, यहाँ पर आके एक एप्लीकेशन आप लिखते हैं तो बहुत जल्द यकीनन आपको सेना भर्ती में उम्र में छूट के लिए नियम देखने को मिल जाएगा। तो साथियों फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी एक नई खबर के साथ।
तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।